सबसे पहले बात करेंगे सीहोर की। सीहोर के वीआईटी यूनिवर्सिटी में छात्रों के सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ने पर छात्रों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के करीब 20 छात्रों ने सामूहिक तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जिसका दूसरे वर्ग के छात्रों ने विरोध किया। विरोध पर कार्रवाई करते हुए कॉलेज प्रबंधन ने 7 छात्रों पर जुर्माना लगाया है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले छात्र बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र बताए जा रहे हैं। इधर मामले को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। इस पूरे मसले पर अब सियासत जो है वो भी तेज होती नजर आ रही है। और चलेंगे सीहोर, बात करेंगे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी से। राकेश, इस पूरे मसले पर अब क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है? जो जुर्माना लगाया गया था उसको वापस लेने की बात सरकार करी, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं। देखिए, हम इस समय यूनिवर्सिटी कैंपस है वहाँ मौजूद हैं। हम कैंपस दिखाना चाहेंगे कि ये वो वीआईटी भोपाल है सीहोर का। जो बात कही जा रही कि यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है, 5,000 रुपये जुर्माना है, 7 छात्रों पर है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो जुर्माने की बात कही है वो वापस लिया जाए, यानी जुर्माना ना थोपा जाए। लेकिन इस बीच हम बात करें जो पूरे मामले की जाँच के निर्देश हैं, आप गहमागहम भी देख सकते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर सीआरपीएफ यहाँ पर मौजूद है, जो स्थानीय थाने की पुलिस है वो मौजूद है। हालांकि पुलिस अभी इस संबंध में सीधे तौर पर बातचीत नहीं कर, लेकिन ये गहमे का भी हम देख पा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी और कुछ जो छात्र नेता हैं वो भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिलहाल जो है गहमे गहमी का यहाँ पर माहौल है, समझेंगे कि आप लोग यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं। जी, यहाँ वीआईटी कॉलेज का कुछ मुद्दा सुनने में हम लोगों को आया था, उस विषय को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। परंतु जो कॉलेज प्रबंधन है उनमें से कोई भी लोग मिलना नहीं चाहता, कहीं ना कहीं उनसे कोई त्रुटि हुई है जिसके कारण वो नहीं मिलना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे केवल सामान्य रूप से बातचीत के तौर पे आए कि क्या विषय है, किस विषय को लेकर के जो भी विषय यहाँ पर बना है उसका किस प्रकार से निराकरण हो, इन सब चीजों को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से हैं? हम सीहोर से, विद्यार्थी परिषद से हम लोग। हाँ, छात्र नेता हैं। जी जी, छात्र। आप यहाँ पर आए हैं? हाँ, मैं भी छात्र नेता हूँ, विद्यार्थी परिषद से हैं हम लोग। हम लोग इस विषय को संज्ञान में लेने में आए हुए थे। इसी क्या सुना है इसके बारे में? हम लोगों को पता लगा है कि यहाँ पर कुछ छात्रों को हनुमान चालीसा पढ़ने के विषय को लेकर उन पर फाइन लगाया गया है, उन पर आदेश दिए गए हैं, उनको रस्टिकेट करने से बड़ी बड़ी धमकियां दी गई हैं। हमें पता लगा कि कॉलेज में बड़े बड़े प्रकार के कई प्रकार के इस कॉलेज में फूड पॉइजन जैसे पानी की समस्या जैसी बड़ी बड़ी समस्या इस कॉलेज में चल रही है। फूड पॉइजनिंग का मामला क्या है? जी, बच्चों को सही से खाना नहीं दिया जा रहा है, कई प्रकार की बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उन सब विषयों को लेकर बच्चों ने किसी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन से तो बात करेगी कि बच्चों से, बच्चे किससे बात करेंगे कभी कोई विषय बनेगा तो? बच्चे उन्हीं सब विषयों को लेकर बात करना चाह रहे थे, तो उस पर बच्चों पर जाँच की गई। तो उन सब ये हम देख पा रहे हैं कि एक जो बात कही जा रही है हनुमान चालीसा का बात कही जा रही है, क्या वीडियो कोई सामने आ पाया है क्या हनुमान चालीसा का? अभी कोई भी चीज हमें क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि बच्चों को इतना डराया हुआ है कि बच्चे कोई भी सामने नहीं आ पा रहे हैं। उसी संदर्भ में विद्यार्थी परिषद यहाँ पर आकर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने आई हुई है। ये देखिए छात्र संगठन है, और फिलहाल हम जो तस्वीर देखें यहाँ पर सीआरपीएफ यहाँ पर मौजूद है और खुद थाना प्रभारी यहाँ पर मौजूद है। सर, ये बात कही जा रही है हनुमान चालीसा का पाठ हो गया है, कहाँ तक जांच पहुंची है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। जानकारी में नहीं है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है लेकिन पुलिस फिलहाल कोई किसी तरह के पत्ते नहीं खोल रही। लेकिन हम यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करें, एक और जो आरोप लगाया गया है जो छात्र संगठनों की ओर से कि यहाँ पर फूड पॉइजनिंग की भी प्रॉब्लम हुई है, और हम जो यूनिवर्सिटी कैंपस का मैनेजमेंट है उनसे हमने बात करने का प्रयास किया लेकिन अभी तक सटीक कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, शिक्षाविद आयुष आशुतोष पांडे जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आशुतोष जी, इस पूरे मसले को हनुमान चालीसा का पाठ छात्रों ने किया, जुर्माना लगा दिया गया, जुर्माना वापस लेने की बात सरकार कह रही है, कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, अभी घटनाक्रम से पूरी तरह ज्ञात तो नहीं हूं मैं, लेकिन जो जैसा मैंने मुझे पता चला है कि बच्चों के हनुमान चालीसा का पाठ करने पर उन पर जो जुर्माना लगाया गया है, तो यदि बच्चों की कोई समस्या है और उस समस्या को संज्ञान में लाने के लिए उन्होंने ये काम किया है तो ये कोई आपराधिक कृत्य तो है नहीं। हनुमान चालीसा का पाठ करना कोई आपराधिक कृत्य नहीं है जिसपे जुर्माना लगाया जाए। हाँ, उनको बुला के समझाइश दी जा सकती थी कि शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक माहौल पुनः क्रिएट किया जाए और जो समस्या है उस समस्या को प्रबंधन के सामने रख के और उसका समाधान कर लिया जाए। क्या लगता है प्रबंधन माफी मांगेगा जुर्माने की बात पर? मांगना चाहिए। तो प्रबंधन अब तक बात करने के लिए सामने नहीं आ पा रहा है, छात्र संघ के नेता कुछ वहां पर पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए, छात्रों के हित के मुद्दे को उठाने के लिए, प्रबंधन की जो बेरुखी है, जो बात नहीं करने का तरीका, उसको कैसे देखते हैं आप? वो तो गलत है, वो मतलब एक प्रकार से तानाशाही है, और अगर वो कॉलेज है, शैक्षणिक संस्था है,
तो यदि प्रबंधन ही इतना अड़ियल रवैया करेगा तो वो बच्चों को क्या संस्कार देगा, बच्चों को किस तरीके से आगे लाइफ में समझौते की या किसी समस्या को सॉल्विंग करने की क्या शिक्षा देगा, समस्या परे है। प्रबंधन को सामने आना चाहिए और ये देना चाहिए संदेश छात्रों को भी और सभी को भी कि प्रबंधन शिक्षा के मंदिर में, शिक्षा के वातावरण में एक सहानुभूति पूर्वक समस्या का समाधान करता है। जी ठीक है आशुतोष जी, आऊंगा आपके पास में, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में। टीकाराम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्माचार्य हैं सर, स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, आपने वक्त दिया। टीकाराम जी कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? पहले विवाद आपको बता देता हूं, सीहोर का VIT कॉलेज, कुछ छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया, क्या सही है ये? बिल्कुल कतई सही नहीं सब। क्या कार्रवाई हो टीकाराम जी? इसमें कार्रवाई होना चाहिए सर कि ये कोई गलत कार्य ना है। हनुमान चालीसा कोई भी कार्य के पहले अगर श्री गणेश को उसमें करते हैं तो कोई गलत नहीं है। सामूहिक कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए हनुमान चालीसा करना कोई गलत नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया टीकाराम शर्मा जी, आशुतोष पांडे जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें साझा करने के लिए। एक बार फिर चलेंगे सीहोर, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर VIT कॉलेज जो है उसके ठीक सामने राकेश चतुर्वेदी मौजूद है, हमारे सहयोगी। राकेश, आपने बात की छात्र संघ के कुछ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं और आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे वो? देखिए, दो आरोप है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पर लगाए गए हैं, प्रबंधन पर लगाए हैं और यूनिवर्सिटी पर लगाए गए हैं। पहला ये कि यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है और पाठ होने के बाद छात्रों पर, पाठ करने वाले छात्रों पर जुर्माना लगाया गया है। दूसरा जो आरोप लगाया है छात्र संगठनों ने, वो ये आरोप है कि यहाँ पर फूड पॉइजनिंग जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं और सैकड़ों की संख्या में छात्र बीमार हुए हैं, उन्हें ठीक ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल जो दो सवाल हैं, दो जो आरोप हैं, उनके जवाब ढूंढने के लिए ही 24 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ अभी जो यूनिवर्सिटी कैंपस है यहाँ पर मौजूद है। और इससे पहले हमने जब बात कही थी तो यह कहा गया था कि हाँ, मैनेजमेंट तक आपकी सूचना पहुंचा। ठीक है राकेश, आऊंगा आपके पास में, न्यूज 24 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के पास में एक एक्सक्लूसिव ऑडियो क्लिप है, जरा वो दर्शकों को सुनाएंगे। तो सुना आपने हनुमान चालीसा का पाठ कुछ छात्र कर रहे हैं और उसे क्लिप के सामने आने के बाद में विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ये छात्र हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, जिनके ऊपर जुर्माना प्रबंधन ने लगा दिया है। सीहोर में VIT यूनिवर्सिटी में छात्रों के सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ने पर प्रबंधन ने जहां चुप्पी साध रखी है, इधर मामला उजागर होने के बाद MP सरकार की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कॉलेज के छात्र यहाँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, ये सवाल पूछा है। छात्रों के ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, इसको लेकर कॉलेज के प्रबंधन को निर्देश दे दिया गया है। कोई जुर्माना नहीं होगा, हमने उनको संदेश दे दिया है। हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं करें। बच्चों को समझाइश जैसी चीज तो दी जा सकती है, अब हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, वो विषय ऐसा नहीं है जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है। चूंकि उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, सूर्य के कारण से सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे बच्चे और उनके पालकों के फोन आए थे, तो उसमें उन्होंने उसका किया है। मैंने कलेक्टर को विस्तार से जांच के आदेश दे दिए।
तो वीआईटी कॉलेज में हनुमान चालीसा विवाद में हिंदू संगठन की एंट्री हो गई है। हनुमान चालीसा से तकलीफ तो नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई जाए, ये मांग की हिंदू संगठन ने। कार्रवाई का फैसला वापस नहीं लिया तो यूनिवर्सिटी के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। रोजे के समय मुस्लिम छात्र क्या नमाज नहीं पढ़ते, ये सवाल पूछा हिंदू संगठन ने। रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है, ये भेदभाव रवैया आखिर हिंदुओं के साथ क्यों, ये सवाल पूछा हिंदू संगठन ने। अगर हिंदू छात्रों पर जुर्माना लगाया जाएगा तो हमें आश्वस्त करें नमाज के लिए भी इजाजत नहीं दी जाएगी। हिंदुस्तान में इस प्रकार की तुष्टिकरण की नीति, भेदभाव नीति अपनाई नहीं जाएगी। अगर इस प्रकार का उन पर जुर्माना लगाया जाएगा तो संस्कृति बचाओ मंच यूनिवर्सिटी में जाकर और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। यूनिवर्सिटी के डीन को मैं चेतावनी देता हूं कि संस्कृति बचाओ मंच ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इस प्रकार का किया गया तो हम सामूहिक रूप से वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो कॉलेज के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेगा हिंदू युवा मंच, ये बड़ी बात यहां पर कही गई है। वीआईटी कॉलेज में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामले में अब बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा की एंट्री हो गई है। उनका बड़ा बयान सामने आया, जुर्माना वापस नहीं होगा तो 7000 लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। भारत भूमि पर हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती, ये बात कही रामेश्वर शर्मा ने। जुर्माना लगाने वाले लोगों को कॉलेज के बाहर कर दिया जाना चाहिए, ये बात कही है रामेश्वर शर्मा ने। कॉलेज प्रबंधक से और प्रबंधन से और सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हनुमान चालीसा से मत टकराइए। टकराई थी महाराष्ट्र की सरकार तो सारे भूत अंदर घुस गए, भूतपूर्व लिखना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री पद चला गया। कॉलेज को अगर चलाना है तो हनुमान चालीसा भी 7 बच्चों ने पढ़ा था, अगर उनका फाइन वापिस नहीं लिया तो 7000 लोग अंदर घुस के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मुगालते में मत रहना, और कोई भी कॉलेज हो स्कूल हो भारत की भूमि के अंदर चलना है तो हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं रोक सकते। और वीआईटी कॉलेज में हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कॉलेज प्रबंधन पर पुतला कॉलेज प्रबंधन का जलाया गया कांग्रेस के द्वारा। शहर के कोतवाली चौराहा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि यह निंदनीय घटना है, इसको लेकर आज विरोध हमने जताया है। पुतला फूंका गया कांग्रेस के द्वारा कॉलेज प्रबंधन का सीहोर में। तो कांग्रेस ने भी इसमें एंट्री कर ली, कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। शहर के कोतवाली चौराहा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और कॉलेज प्रबंधन का पुतला यहां पर फूका है। वीआईटी कॉलेज प्रबंधन का पुतला कांग्रेस ने फूका हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में। ये तस्वीर सामने आई थी, कॉलेज प्रबंधन का पुतला जलाया गया, प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, विरोध किया कॉलेज प्रबंधन का। तो सीहोर के शहर कोतवाली में चौराहे पर इस तरह का विरोध देखने को मिला। कांग्रेस ने कॉलेज प्रबंधन का पुतला फूंका और विरोध जताया, इस बात का जिक्र किया कि हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा सीहोर में देखने को मिला। और सीहोर के वीआईटी कॉलेज में हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी के राज में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, ये बात कही पीसी शर्मा ने। बीजेपी राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, ये बात कही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने। तो सीहोर के वीआईटी कॉलेज में हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, कहा कि बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकते, ये बात कही पीसी शर्मा ने। तो हनुमान चालीसा पर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ये आरोप लगाए पीसी शर्मा ने राज्य सरकार पर। के राज में जो हो जाए हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं देंगे, जय जय श्री राम बोलेंगे, सीता जी को छोड़ देंगे, जय जय सियाराम नहीं बोलते। ये अभी आया कि ग्वालियर में नाबालिग बच्चे के साथ रेप हो गया, वो लोग पकड़ाए नहीं, उसका मर्डर हो गया। इधर तमाम पूरा कानून व्यवस्था ध्वस्त है और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी और नरोत्तम मिश्रा जी। और इन सब सियासत के बीच में किस तरह की तस्वीर है, क्या कुछ हकीकत है, जानने की कोशिश करेंगे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी से। वो राकेश उस कॉलेज के बाहर मौजूद है जहां पर इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर विरोध जताया जा रहा है। ये वही कॉलेज इस वक्त सुर्खियों में है। राकेश, क्या कुछ स्थानीय लोग वहां पर कह पा रहे हैं, जो वहां पर गेट के बाहर मौजूद है, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल, हम यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर की तस्वीर की बात करें तो यहाँ पर जो एक और सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ है, पुलिस है और जो छात्र संगठन है यहाँ पर डटे हुए हैं। 2 से 3 बार मैनेजमेंट से चर्चा करने का प्रयास किया है, कुछ क्या चर्चा हो पाई है जानने का प्रयास करेंगे। चर्चा हो पाई है आपकी? जी चर्चा तो हुई है, कुछ एक कोऑर्डिनेटर है वहाँ पर, उनने हमसे बात करी है। तो उसमें ऐसा बताया है कि लगभग
20 से ज्यादा छात्रों पे हाँ। हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर 5,000 रुपए को जुर्माना रखा गया था। अगर छात्र भारत में भोपाल शहर में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा तो कहाँ पढ़ेगा। ये इतने बड़े इंस्टीट्यूट के आपत्ति दर्ज कराने आए, बिल्कुल आपत्ति दर्ज कराने आए और उनसे बात करने आए कि हमारी ये आस्था का विषय हनुमान चालीसा कोई किसी और के धर्म को रोकने से नहीं रोक रहा कि सबको अपने अपने जो धर्म का पालन है वो करना चाहिए, लेकिन अगर छात्र हनुमान तय हो पाया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर ही जुर्माना। अभी ये तय नहीं होता तो प्रशासन हमसे आके बात कर लेता ना, ये एडमिशन हमसे आके बात करता, मैनेजमेंट आके हमसे बात तो करता, विषय तो पता लगता। ठीक है राकेश, आऊंगा आपके पास में एक बार फिर, चूंकि हनुमान चालीसा के पाठ पर विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है और उसके बाद अब जुर्माने के बीच अब छात्र भी बीमार हो गए हैं। वीडियो और फोटो सामने आए हैं, वायरल वीडियो में छात्र कह रहे हैं, बीमार होने की बात कह रहे हैं, खराब खाने के चलते कई छात्रों को बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, छात्र बीमार हो गए, ये तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये खाना जरा बड़ा करके तस्वीर दिखाइए, खाना आपको दिखा रहे हैं, किस तरह का खाना वहां पर दिया जा रहा है, सीहोर के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तस्वीर, ये देखिए इस तरह का खाना वहां पर दिया जा रहा है, ये आरोप छात्रों का है, ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीर सब कुछ कह रही है, वहां के छात्र कह रहे हैं जो वहां पर पढ़ते हैं। और News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन छात्रों के द्वारा जो तस्वीरें सामने आई है वो आपको दिखाना जरूरी है। और चलेंगे एक बार फिर सीहोर VIT कॉलेज के बाहर, राकेश लगातार बने हुए। राकेश, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं ये VIT कॉलेज की है, ऐसा छात्रों का कहना है, कितनी हकीकत इस बात में और क्या कुछ आरोप? देखिए बिल्कुल, वो जो तमाम स्टूडेंट से हम उनसे बात करेंगे, जो छात्र था उनसे बात करेंगे, एक बार फिर हम तस्वीर दिखाएंगे कि ऐसा नहीं कि जो कैंपस है यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उनसे बातचीत नहीं हो रही है, सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है। और हम जो सवाल का जवाब जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार क्या हनुमान चालीसा के आधार पर ही जुर्माना किया गया है, और जो छात्र आरोप लगा रहे हैं, जो छात्र नेता आरोप लगा रहे हैं कि खाना ठीक नहीं मिल रहा, खाने में से जो फूड पॉइजनिंग के साथ दूसरी बीमारियां छात्रों को हुई हैं उनका इलाज भी चल रहा है, उसका हम भी जवाब जानना चाह रहे हैं। और यहाँ पर जो कुछ शिकायतें हैं वो छात्र नेता मौजूद हैं, इन तक भी पहुंची हैं, जो बात कही जा रही है फूड पॉइजनिंग वाली, खाना खाने वाली, कितनी सच्चाई है उसमें? सच्चाई तो अभी प्रशासन हमसे, कॉलेज का प्रशासन हमसे बात करेगा, उसके बाद पता लगेगी ये चीजें। जी जी, अभी बच्चे उन बताएंगे, उसके बाद सच्चाई पता लगेगी। क्या क्या आपसे कोई शिकायत पहुंची है यहाँ के स्टूडेंट से? शिकायत हमारे से कई स्टूडेंट हम संपर्क में हैं, पर वो लोग अपनी भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इसलिए वो हमसे किसी भी प्रकार के सामने आके बात नहीं कर पा। यानी आपसे जो बातचीत कर रहे हैं वो तो कैसे कर रहे हैं? फुल संपर्क में, पर बच्चों को ये डर है कि वो कल से फेल हो जाएंगे, ऐसी यूनिवर्सिटी का दबाव बनाया बच्चों पे। तो कैसे संपर्क में, कैसे मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए? बच्चे पूरे संपर्क में हमारे पास, उन लोग सब वीडियोस पता लग रही है, क्या उनके खाने में विषय चल रहे हैं, क्या उनके पानी में दिक्कत आ रही है, क्या किस प्रकार के उनके बच्चों को खाना अन्य। राकेश, आपको रुकेंगे यहाँ पर, माफी चाहूंगा, लगातार बने रहिए हमारे साथ में। एक ऑडियो News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास एक्सक्लूसिव रूप में, जरा वो आपको सुना। ये भाई है, इसको मतलब 24 घंटे से कुछ खाया नहीं है, बस एक ग्लूकॉन डी और पी कर रहा है, बस जो भी खा रहा है निकल जा रहा है, उल्टी हो रही, फूड पॉइजनिंग उसको बहुत बुरी तरीके से हुई है, ऊपर से क्लास भी चल रही है। ब्रेड में फंगस लगा हुआ है, कीड़े पानी नहीं हुई है। ये भाई है, इसको मतलब 24 घंटे से कुछ खाया नहीं है, बस एक ग्लूकॉन डी और पी कर रहा है, बस जो भी खा रहा है निकल जा रहा है, उल्टी हो रही, फूड पॉइजनिंग उसको बहुत बुरी तरीके से हुई है, ऊपर से क्लास भी चल रही है। तो देखा, ये वीडियो तस्वीरें सामने आई है और उसके बाद छात्र इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं, इन वीडियो को आधार बनाकर छात्र आरोप लगा रहे हैं। देखना होगा कि इस पूरे मस्ते में कब तक छात्रों की समस्याओं का समाधान हो पाता है।